ए वेरी गुड इवनिंग गाइस। जैसे कि आपको पता होगा, आज से चंद दिन पहले एक प्राकृतिक आपदा जोशीमठ जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पर आई हुई थी। वैसे तो हमारा उत्तराखंड अमूमन ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है, तो ऐसी ही एक प्राकृतिक आपदा जो आज से तकरीबन 58 साल पहले हमारे गाँव में भी आई थी सन 1962 में, जो लगता है कि एक परसों जो चमोली में जो आपदा आई थी उससे भी कई भयानक रूप में वो आपदा आई थी। तो हम आपको उसका ब्यौरा आज कराने के लिए ले जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको कि वो आपदा किस प्रकार से बड़ी भयानक रूप लेकर आई थी। गाइस ये हमारे साथी हैं जो हमें वो आपदा के बारे में बताएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारा गाइड करेंगे, स्पेशली धीरज मेहरा, हिमांशु बिष्ट, कमल मेहरा और हिमांशु मेहरा। तो गाइस ले के चलते हैं आपको स्थान पर जहाँ एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई हुई थी। तो गाइस लेट्स गो। गाइस हम उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ पर 1962 के दौरान यह आपदा आई हुई थी। देखिए कितने भयानक, कितने बड़े पत्थर यहाँ पर तेज़ी से उस बाढ़ में बहकर आए हुए थे। आप देख सकते हैं, देखिए इतना बड़ा पत्थर, ये देखिए सारा। आज हम आपको लेके आ रहे हैं उस आपदा पे जो अभी दीपक ने बताया, जो 1962 के करीब आई हुई थी। और आप देख सकते हैं कि कितनी भय रही होगी, जो अभी चनौली आपदा से भी बड़ी है। ये पत्थर आप देख रहे हैं जो उसी आपदा में बहकर आए होंगे, जो कितनी भयंकर प्राकृतिक आपदा रही होगी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखिए अगर आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर जो पत्थर के नीचे गुफाएं टाइप की बनी हुई हैं, हमने कई बार जब हम यहाँ खेलने आया करते थे तो बाघ कई बार देखे हमने यहाँ। आप देख सकते हैं गुफाएं, हम आपको दिखाते हैं, क्या पता अभी वहीं से बाघ निकल जाए। ये देखिए कितना बड़ा इनका आकार है और यहाँ पे इनके अंदर की गुफाएं देख सकते हैं, बिल्कुल आपको भी नज़र भी नहीं आ रही होंगी, इतनी भयंकर गुफाएं यहाँ हैं। ये देखिए ये पत्थर हैं सारे, देखिए जो प्राकृतिक आपदा में बह कर के आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पर अभी हम आप वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर जो पानी का बहाव है, जो उसकी तीव्रता है, वो काफ़ी कम हो गई होगी, तो ये पत्थर सारे यहीं पर अटक गए। देखिए अब बहुत दूर तक, लगभग 500 मीटर 800 मीटर तक ये पत्थर फैले हुए हैं, इतने एरिया में सारे पत्थरों से भरा हुआ है, बड़ी बड़ी गुफाएँ इसके अंदर बनी हुई हैं। तो आज हम इसी को और अंदर से जानेंगे कि आखिर ये क्या क्या हुआ होगा उस टाइम पे। तो हमने अपनी दादी लोगों से पूछा कि कैसी ये बाढ़ थी, कितनी भयंकर प्राकृतिक आपदा थी। तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पे बिल्कुल तबाही हाहाकार मच गया था, इतनी भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी। आप देख सकते हैं ये कितनी खतरनाक गुफाएं हैं, ये देखें पत्थरों का आकार देख सकते हैं आप, कितने बड़े पत्थर हैं, बिल्कुल ये हमारे सोच से भी बाहर हैं, इतने बड़े पत्थर। ये देखिए इनके अंदर गुफाएं कैसी बनी हुई हैं, देखिए इनके सामने हम इंसान मात्र एक चींटी बराबर हैं, देख सकते हैं आप पत्थर, देखिए आप इतने बड़े पत्थर भयानक रूप में जब आए होंगे, जिस समय पर ये आए होंगे कितना भयंकर इनका, ये देखिए हमारे मित्र यहाँ पर देख रहे हैं कितनी भयंकर गुफा है। ये देखिए इसके अंदर बाघ जानवर रात को उनका बसेरा यहाँ पर है, और कई बार हमने दिन में तक यहाँ पर बाघ देखे हैं। देखिए पत्थरों की मात्रा कितनी ज्यादा है, देखिए इतने सारे पत्थर एक साथ बहकर आए हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने सारे पत्थर, कितनी भयंकर जो बाढ़ है आई होगी जब इतने सारे बड़े पत्थर बहा करके लाई होगी। ये देखिए पत्थरों का आकार भी कितना बड़ा है, देखिए हम इतनी दूर तक आ चुके हैं और अभी भी हम आगे जाते जा रहे हैं, इनका नामो निशान बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ये देखिए कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, देखिए ये देखिए पत्थरों का आकार, देखिए उनकी संख्या, देखिए आप बिल्कुल अनगिनत पत्थर हैं और इतने बड़े मात्रा में पत्थर, हर आकार के पत्थर यहाँ पर हैं। गहराई भी ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपरी है, अभी नीचे गहरे, इतने गहराई में है ये पत्थर कि आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं करिए। देखिए वो, देखिए वो नीचे, देखिए ये नीचे, देखिए वो, देखिए नीचे किसी का, ये देखिए बाघ ने किसी को खा के, अगर आपको अभी शायद आपको दिख ना रहा हो, जूम करके दिखाते हैं पर आपको दिखेगा नहीं शायद, अभी हड्डी ये देखिए हड्डी आपको दिख रही होगी, बाघ ने यहाँ पर उसका शिकार किया हुआ है। हमें थोड़ी बच करके रहना होगा क्योंकि यहाँ पर भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त यहाँ पर हम पर जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ये देखिए बुरांस के फूल आप देख सकते हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैं यहाँ पे थोड़ी राज की पुष्प है, ये जूम करूंगा यहाँ पे, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ये बुरांस का पुष्प है। तो ले चलते हैं आपको आगे की ओर को, देखिए आप, चलिए आगे को ले चलते हैं, आखिर कैसा है दृश्य आगे का और कितनी भयंकर, यहाँ पर चलने में भी डर लग रही है, इतनी भयंकर ये जो गुफाएं हैं, अगर हम चले गए नीचे तो फिर एक दो हड्डी पसलियां तो हमारी टूट ही जाएंगी। गाइस आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। जी हाँ बिल्कुल, आपसे अनुरोध है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए।
ये बहाव देखिए कैसा दिख रहा है। देखिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर ये नज़ारा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए एक नदी का स्वरूप लिया हुआ है इसमें, देखो देखिए कौन सा स्वरूप, एक महाप्रलय जो आप कह सकते हैं, इतना भयंकर रूप उस नदी ने इस टाइम पे लिया होगा। बहक आए हुए हैं देखिए, ये हम इतने दूर से आपको दिखा रहे हैं, और अब अगर आपको ऊपर को दिखाएं तो इसका अंत अभी यहाँ तक होता है। या फिर देखिए जहाँ पर कहाँ पर से ये पत्थर रुकना शुरू हो गए, जब नीचे के पत्थर रुकने लगे तो पानी का बहाव कम हो गया, तो उस टाइम पर यहाँ तक इतनी दूर तक जो पत्थरों का बहाव रुका, आपको दिखाएं अंत तक लेकर के चलते हैं जहाँ पर इसके पत्थरों की शुरुआत होती है और अंत होता है। देखिए कैसे बह के आया होगा ये, देखिए ये पत्थर ऐसा लग रहा है कि समाधि टाइप की लग रही है। देखिए इसके ऊपर पत्थर बह के आ सकता है, आपदा कितनी बड़ी रही होगी आखिर, वही तो आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर, उसकी शुरुआत जो पत्थर यहाँ पर ख़त्म होते हैं, देखिए जब पानी का बहाव एकदम से रुका होगा तो सारे पत्थर इकट्ठा होने लगे फिर उनके पीछे, तो यहाँ तक लगभग 800 मीटर करीब ऊपर तक पत्थर रुके हैं जहाँ पर से पानी का बहाव कम हुआ होगा। हमें पता नहीं है कि ये भयंकर तबाही किस वजह से आई होगी, या कोई पहाड़ टूटा होगा या कुछ भी होगा, बादल फटने के कारण कितनी भयंकर तबाही आई हुई है। आप देख सकते हैं जगह जगह छोटे बड़े इतनी भयंकर 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 पत्थर हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं आज से तकरीबन 58 साल पहले सन 1962 में यह प्राकृतिक आपदा आई थी। जब यह प्राकृतिक आपदा आई थी तो इतना भयानक रूप यह लेकर आई थी, जैसे कि आपने अभी देखा है इतने बड़े बड़े पत्थरों को बहा कर यह लाई थी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह असंभव सा लग रहा था कि अब हम बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। तो लोगों ने इस टाइम पर ऐसा किया, उनके घर में जो जो सामग्री थी खाने की उन्होंने सब खाना शुरू कर दिया, उनको लगा कि आज तो हमारा अंत आ गया है। यह कोई कहानी नहीं है, सच पर आधारित सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं भगवान के घर में देर होती लेकिन अंधेर नहीं, लेकिन अंततः इसका यह आपदा रुकी और यह पत्थर जो नीचे जाके अंत में वहाँ पर जाके यह रुके, तो उसके बाद लोगों के अंदर जान में जान आई, उनको लगा कि हाँ अब कुछ ठीक है। तो यह आपदा हमने आपको दिखाई, तो देख सकते हैं प्रकृति से अगर आप छेड़खानी करेंगे तो देखो प्रकृति जो है इतना भयानक रूप लेके इतना प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। अमूमन हम पेड़ों को काटते हैं, भूस्खलन वगैरह होते हैं जिससे, और प्राकृतिक चीज़ों को हम उनकी देखरेख नहीं करते हैं, जो कि मनुष्य एक बहुत गलत ओर जा रहा है। हमें प्रकृति को देखना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो सब कुछ है। आपको अभी जो पहला छोर दिखाया था, जो इतने भयंकर भयंकर पत्थर थे, वो पहला छोर था, बीच में ये जो है एक छोटी सी नदी है जो अभी के टाइम पे जहाँ पे पानी आता, और ये दूसरा छोर है। सोचिए आप इतनी भयंकर इतनी चौड़ी नदी जो उस टाइम पे बनकर के आई होगी, है दूसरा जो उसका छोर है जहाँ पर पत्थर रुके हुए हैं बीच में, मुझे लगता है कि पानी का बहाव कम रहा होगा तो इसलिए साइड में पत्थर लगने लग गए। तो आपको दूसरे छोर भी दिखाते कि दूसरा छोर में कितने भयंकर भयंकर पत्थर हैं और कहाँ तक फैला हुआ। ये देखिए यहाँ पे भी इतने भयंकर भयंकर पत्थर हैं, गुफाएं हैं, यहाँ इतनी झाड़ियाँ बन चुके हैं कि अभी आपको पत्थरों की संख्या नज़र नहीं आ रही होगी, पर ये देखिए ये ऊपर को तो और भी भयंकर। ये देखिए ये दूसरा छोर है, पहला छोर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं इस साइड को, पहला छोर यहाँ पर है और ये दूसरा छोर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इतने भयंकर भयंकर पत्थर से यहाँ पर भी कल्पना नहीं की जा सकती है कि कितनी भयंकर तबाही आई होगी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कितनी भयंकर आपदा यह थी, और 1962 में जब ये आई होगी तो चमोली आपदा से भी भयंकर रही होगी मुझे ऐसा लगता है। देखिए पत्थरों का आप आकार देख सकते हैं और नीचे की गुफाएं इतनी गहरी, ये पत्थर अभी तक जमे हुए हैं इनका, जिनका हमें भी अंदाज़ा भी नहीं है। तो अगर मनुष्य की गलत गतिविधियां होती रही जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, तो प्रकृति भी अपना विकार रूप दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इतने भयंकर भयंकर तबाहियाँ और जो है ये मचती रहेंगी। तो हमें प्रकृति को ध्यान में रख कर के गलत गतिविधियाँ नहीं करनी चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद जय भारत।